Hello, my dear students. Welcome to AK Public School. How are you? Fine. सब ठीक है ना? जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको याद कर रहे हैं ना? क्या सब याद नहीं कर पा रहे हैं? कुछ भूल जा रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं उसे फिर से बता दूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? हमने सीखा था फर्स्ट क्लास में क्या होते हैं लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम, अर्थात जिसमें जान होती है, ऐसी चीजें जिसमें जान होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, इटीसी। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स को छोड़ दे तो जो चीजें बच जाती हैं वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं होती हैं, ठीक है। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? वो हो सकता है कार, पेंसिल, चेयर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप एंड एनीथिंग। जो भी आप देख रहे हैं अपने पास उसमें कुछ चीजें लिविंग थिंग होंगी और कुछ चीजें नॉन लिविंग थिंग होंगी। तो हमने बस ये जाना कि लिविंग थिंग में जान होती है और नॉन लिविंग थिंग में जान नहीं होती है। बट कुछ और भी चीजें हैं जो हम लिविंग थिंग्स के बारे में जान सकते हैं, वो क्या क्या है? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जैसे हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग में जान होती है तो जीने के लिए लिविंग थिंग्स को किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना। वो कौन सी चीजें हैं? वो है फूड, भोजन और वाटर, पानी। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे इसके बिना। जब भी हमें भूख लगती है तो क्या कहते हैं? मम्मी मुझे खाना दो, भूख से मेरी जान जा रही है। तो क्या मतलब है कि जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा तब तक हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग कि हमें लिविंग थिंग में फूड और वाटर की जरूरत होती है, ये हमने कल पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? लिविंग थिंग्स ब्रीद। ब्रीद मतलब सांस लेना। मतलब कि लिविंग थिंग सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये होता है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स में। लेकिन प्लांट्स में ये उल्टा होता है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो हमें पेड़ों से मिलता है और जो पेड़ यूज करते हैं वो उन्हें हमसे मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि लिविंग थिंग्स फील। फील मतलब महसूस करना। क्या होता है महसूस करना? जब भी हमें कभी खेलते कूदते चोट लग जाती है तो हमें क्या होता है? दर्द होने लगता है। तो यही होता है महसूस करना। जब हमें कोई कुछ चीजें हम किसी से मांगते हैं और वो हमें नहीं देता है तो हमें बुरा लगता है, यही होता है महसूस करना, फील करना। जब भी हम कुछ तोड़ देंगे या कुछ फूट जाएगा हमारा, जैसे सर फूट गया, हाथ में चोट लग गया, कहीं से कट गया, ठीक है, तो हमें दर्द होता है, यही है फीलिंग्स। या कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ डांट देता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं? रोने लगते हैं या हमें बुरा लग जाता है, यही है फीलिंग। तो ये हम फील कर सकते हैं, हमें समझ आता है कि कोई हमारे लिए अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है। आप किसी ईंट को जाके मारिए या कुछ भी कीजिए, वो आपको नहीं बोलेगा कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हमें क्यों तोड़ रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स में फीलिंग होता है, वो फील करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स में फीलिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो
आपने देखा होगा, आपने एक छोटा सा क्या करते हैं, डॉग का एक बच्चा लेके आते हैं, उसको हम क्या करते हैं अपने पास रखते हैं, उससे हम खेलते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वो डॉग का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो एक पूरा का पूरा डॉग बन जाता है। तो हम ये देखते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है। डॉग एक लिविंग थिंग है ना, हाँ डॉग लिविंग थिंग है, तो उनका साइज ग्रो करता है। आपने पेड़ भी लगाया होगा, जब आपके पास आम आया होगा, आपने आम खाया होगा और सोचा होगा कि अगर मेरे पास भी आम का पेड़ होता तो मैं भी आम खाता, तो आपने क्या किया, आम के गुठलियों को जाके जमीन में गाड़ दिया, तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो आम का पेड़ बड़ा होने लगा और आपको खुशी होने लगी कि मैं भी एक आम का पेड़ उगा सकता हूँ और मुझे भी कुछ दिन बाद आम खाने को मिलेंगे बहुत सारे। सो हमने ये देखा कि लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, उन वो बच्चे उस वक्त बहुत छोटे होते हैं और वो बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो ये है लिविंग थिंग्स ग्रो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक पेंसिल लाए खरीद के और हम उसको बैग में रख दे और हम सोचे कि अब मेरा पेंसिल बहुत बड़ा हो जाए ताकि हमको बार बार पेंसिल नहीं खरीदना पड़े, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग नहीं है, है ना, पेंसिल लिविंग थिंग नहीं है ना, हाँ पेंसिल लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर सकता है। अगर आप सोचे कि हम एक कॉपी खरीद के लाए और क्या हो जाए, मेरा कॉपी धीरे 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 मोटा होता जाए जिससे हमको बार बार कॉपी खरीदना नहीं पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये देखा कि लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स ब्रीद, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस कर सकते हैं कुछ अच्छा बुरा, लेकिन हम लोग महसूस, नॉन लिविंग थिंग महसूस नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, वो बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने ये देखा, चार पॉइंट्स देखा, टू पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए, उसको याद करते रहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।